छत्तीसगढ़ के गौरव एपिसोड के इस अंक में हम जा रहे हैं चित्रकूट जलप्रपात। अभी हम खड़े हैं नदी के पुल के ऊपर में, जो इंद्रावती नदी है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ ये रास्ता जाता है जगदलपुर की ओर और एक रास्ता जाता है दंतेवाड़ा की ओर। अभी हम पुल के बीचों बीच में है, यहाँ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस जलप्रपात की जगह पे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट जलप्रपात पे। आप देख सकते हैं मेरे दाएं ओर दिख रहा है चित्रकूट जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी पे स्थित है। और आपको बता दें कि ये नदी उड़ीसा से उद्गम है, कालाहांडी से, और यहाँ चित्रकूट में आकर के एक जलप्रपात निर्माण करती है। आपको बता दूं, ये जो जलधारा नीचे की ओर गिर रही है, ये ऊपर से नीचे की ओर इसकी ऊँचाई 90 फीट की है। जी हाँ, 90 फीट की इसकी ऊंचाई है, वहाँ से ये जलधारा नीचे गिर रही है। और साथ में वहाँ से 3 प्रकार की बूंदें आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक कोहरे के रूप में है। अभी आपको जूम करके दिखाते हैं, ये जलधारा से जो निकलने वाले जो कोहरे हैं, उनसे इंद्रधनुषी रंग आपको दिखाई देते होंगे। देख लीजिए, यहाँ पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई दे रहा है। और साथ में ये जलधारा जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट बताई जाती है। और साथ में आपको बता दूं, बरसात के मौसम में ये जो धारा है, इसकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर तक हो जाती है, जो कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। एक बहुत बड़ा तालाब से दिख रहा है आपको, जो खाई है। साथ यहाँ पे नौका विहार भी हो रहा है। और आप इधर मेरे राइट साइड देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे नौका हैं, और जिसमें लोग यहाँ पे नौका विहार का आनंद लेते हैं। साथ में जो जलधारा निकल रही है, नीचे की ओर गिर रही है, उसमें से आपको देखेंगे धुएँ के रूप में ये जो पानी की बूंदें हैं, धुएँ के ऊपर उठ रही है, जिस कारण से यहाँ इंद्रधनुषी रंग आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जलधारा है, सूर्य के प्रकाश से मिलने के कारण से यहाँ पे इंद्रधनुष के समान आपको रंग बिरंगे सतरंगी रंग दिखाई देंगे। साथ में देखिए, हम आपको बता रहे हैं ये जो जलप्रपात है, उसके बगल में चट्टान है बहुत बड़ा। उस चट्टान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं,
और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कोई खास डायरेक्शन नहीं है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस प्रकार से पत्थर के ऊपर में चढ़ गए हैं। लोग ऐसे हरकत करने से बाज बिल्कुल भी नहीं आते हैं, चाहे कोई से भी जगह हो। यदि कोई व्यक्ति वहाँ से नीचे की ओर गिर जाती है तो उसकी जान को खतरा हो सकती है। बहुत ही खतरनाक जगह है और प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ को हम देखें तो प्रकृति ने अपने नेचुरल में इसको काफ़ी डेकोरेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े बड़े चट्टान हैं, जंगल है, झाड़ियाँ हैं, नीचे में बहुत बड़ा सरोवर के जैसा ये जलधारा ऊपर से गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ से पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ दक्षिण के क्षेत्रों से अर्थात विशाखापट्टनम की ओर से साउथ इंडियन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। विदेश से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं और छत्तीसगढ़ से लोग तो आते ही रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे भारत और भारत से अतिरिक्त अन्य देशों से भी लोग यहाँ इस जलप्रपात को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ जंगल झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े चट्टान हैं। जलप्रपात को देखने के लिए न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि विशाखापट्टनम क्षेत्र से साथ में दक्षिण भारत के बहुत लोग आते हैं। भारत को छोड़ करके विदेशों से भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमारे बीच में हैं, आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। आपका नाम? ईरा। कैसे लगा आपको यहाँ? बहुत सुंदर। हमें सुना था इसके बारे में लेकिन बहुत ही सुंदर है, देख के बहुत खुशी हुई। हम लोग स्पेशली ये देखने के लिए जगदलपुर आए हैं, इसके बारे में इतना सुना है। हालांकि हम लोग बरसात में आते बट ठंड में भी ये इतना ही सुंदर है जितना हम लोग ने सुना हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आंध्रा से। कहाँ से? आंध्रा से। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। अच्छा, कैसे लगा यहाँ पे आप? कल रास्ता तो बहुत खराब है लेकिन अभी आने के बाद लग रहा है कि इट्स वर्थ कमिंग। अगर ये रेनी सीजन पे होता तो और भी अच्छा लगता है। That's what I feel. बरसात के दिनों में यहाँ का जो वाटरफॉल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो अभी ठंड का मौसम है, है ना? फिर भी बहुत अच्छा है। It's worth coming. कितने लोग आए हैं? सात लोग।